इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रेन कैसे कैसे रास्तों से गुजरती है। हम जानेंगे रेलवे फाटक यानी रेलवे क्रॉसिंग, पुल यानी ब्रिज और सुरंग यानी टनल के बारे में। जिया और उसकी मम्मी ट्रेन से उसकी दादी के घर जा रहे थे। जिया के पापा और बोबो उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आए थे। पूरे दिन ट्रेन में सफर करने के बाद रात को वो और उसकी मम्मी दोनों अलग अलग बर्थ पर सो गए और उन्हें जल्द ही नींद आ गई थी। सुबह सुबह ट्रेन के रुकने पर जिया की आंखें खुली। नीचे आकर जिया खिड़की से बाहर देखने लगी। जिया को बाहर हर तरफ बस प्रकृति की सुंदरता बिखरी हुई दिखी। कहीं हरियाली दिख रही थी तो कहीं तालाब और कहीं पहाड़ों के बीच बहते हुए झरने। वाह, बाहर सब कुछ कितना सुंदर है। देखो मम्मी, यहाँ तो गर्मी भी कम हो रही है। इतनी हरियाली होने की वजह से हवा ठंडी रहती है जिया। हमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, इससे हवा साफ रहती है और हमें ऑक्सीजन मिलती है। तभी अचानक जिया को हरियाली कम होती हुई दिखाई देती है और उसे बाहर काफी सारे लोग दिखने लगते हैं। ट्रेन जल्दी से उन्हें पीछे छोड़कर निकल जाती है। मम्मी, वहां पर इतने सारे लोग क्यों खड़े थे? वो एक रेलवे फाटक था जिया। तुमने कभी रेलवे फाटक यानी रेलवे क्रॉसिंग देखी है? क्या तुमने उसे पार किया है? अच्छा मम्मी, तो उन लोगों को फाटक पार करने के लिए पूरी ट्रेन के गुजर जाने का इंतजार करना पड़ेगा ना? बिल्कुल सही जिया, पर ज्यादा समय नहीं लगता होगा। ट्रेन काफी तेज होती है, फिर भी कुछ लोग जल्दबाजी करते हैं और ट्रेन के आते वक्त भी फाटक को नीचे से झुककर पार करना चाहते हैं। हाँ, वो तो बहुत खतरनाक हो सकता है मम्मी। हाँ जिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या तुम जिया की बात से सहमत हो? क्या तुमने किसी को नीचे से झुककर रेलवे फाटक को पार करते हुए देखा है? क्या तुम सड़क क्रॉस करते समय दोनों तरफ अच्छे से देखते हो? रेलवे फाटक के इस चित्र को देखो, कितनी सारी गाड़ियां खड़े होकर इंतजार कर रही हैं। तुम्हें क्या लगता है, इन गाड़ियों के चालकों को अपनी गाड़ी के इंजन को बंद रखना चाहिए या नहीं? ज्यादा देर इंजन चालू रखने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? और तुम्हें पता है जिया, ट्रैफिक में इंतजार करते समय सबको गाड़ियों के इंजन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इंजन चालू रखने से प्रदूषण होता है और पेट्रोल भी नष्ट होता है। हमें जितना हो सके प्रदूषण कम करने की कोशिश करनी चाहिए। जी मम्मी, और पेट्रोल डीजल तो बहुत महंगे भी है ना? पेट्रोल डीजल सिर्फ महंगे नहीं है जिया, धीरे धीरे ये खत्म भी हो रहे हैं। क्या तुम्हारे शहर या गांव में प्रदूषण है? प्रदूषण कम करने के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो?